अब प्रश्न है हमारा, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित 30 नए स्मार्ट शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से दोहराते हैं, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित 30 नए स्मार्ट शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो आंसर है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 23 जून 2017 को 30 नए स्मार्ट शहरों की सूची जारी की गई। चूंकि सूची में उत्तर प्रदेश के 3 शहर झांसी, इलाहाबाद एवं अलीगढ़ शामिल हैं। वहीं प्रश्न है, वर्ष 2016 से 17 के दौरान शहरी सुधारों के कार्यान्वयन ने पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंसर है, वर्ष 2016 से 17 के दौरान शहरी सुधारों के कार्यान्वयन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 16 राज्यों में आंध्र प्रदेश 96.06% अंकों के साथ पहले स्थान पर था। वहीं अब अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 से 27 जून 2017 के मध्य किन तीन देशों की यात्रा पर रहे? तो आंसर है इसका, 24 से 27 जून 2017 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों पुर्तगाल, अमेरिका एवं नीदरलैंड की यात्रा पर रहे। वहीं प्रश्न है, भारत सरकार ने देश को एवियन इन्फ्यूजन और से कब मुक्त घोषित किया? जी हाँ दोस्तों, तो आंसर इसका, 6 जून 2017 को भारत सरकार ने देश को एवियन इन्फ्यूजन H5N1 और H5N8 से मुक्त घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग चिन्नानी नासरी सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया? तो आंसर है, 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग 9.2 किमी चिन्नानी नासरी सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया। वहीं प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा द्वारा नर्मदा नदी को जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने की स्वीकृति प्रदान की गई? तो आंसर है, मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 3 मई 2017 को नर्मदा नदी को जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ दोस्तों अगला प्रश्न है, अप्रैल 2017 में भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले निकोस अनास्तासियादेस किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आंसर है, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस
अनास्तासिया देश ने 25 से 29 अप्रैल 2017 के मध्य भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। वही प्रश्न है, मार्च अप्रैल 2017 में भारत की यात्रा पर आए मलेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, तो प्रश्न है 30 मार्च से 4 अप्रैल 2017 के मध्य मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद नजीब बिन तुन अब्दुल रजक भारत की यात्रा पर रहे। जी हाँ दोस्तों,